आज हम करेंगे आपका जो दो टॉपिक रह गए थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, साथ ही साथ थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि एटॉमिक नंबर किस तरीके से होता है, तो मैंने पहले बता दूं कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, तो इसका 1 है, इसका 2 है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और ये थोड़ा आपको याद करना है, एटलीस्ट इतने तो याद होने चाहिए, वो मैंने एक्स्ट्रा लिख रखे है, ठीक है। तो इनमें कोई भी जब आप एलिमेंट लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन ले लूं, तो क्लोरीन का आपका होता है 287, 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो 287, तो आप देख पा रहे हो 3 शेल्स है, तो 3 शेल है, इसलिए वो थर्ड पीरियड में बिलोंग कर रहा है, और क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, इसलिए वो 17th ग्रुप या 7A ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। ओके, आफ्टर दैट इसके बारे में मैं बोलूं, इसके बाद हमने पढ़ा था भाई लेफ्ट टू राइट, अगर आप देख रहे हो मैंने क्या बताया, वो किस पे डिपेंड करता है, शेल, तो पीरियड किस पे डिपेंड करता है, शेल, तो यहां पे ये फर्स्ट, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, तीसरी, ये चौथी, छठी, छठी एंड सातवीं, तो शेल तो सेम ही रहने वाली है एक पीरियड में, और ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट टू राइट शेल सेम है, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसकी वजह से साइज क्या होता है, छोटा होता चला जाता है, और टॉप टू बॉटम ऑब्वियसली शेल बढ़ रहा है, तो साइज तो बढ़ेगा बढ़ेगा, तो साइज वाला कॉन्सेप्ट तो ये एटॉमिक रेडियस की, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शेल सेम थे तो घटता है, कब तक, 17 ग्रुप तक, नोबल गैस आते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपना स्टैंडर्ड साइज मेंटेन कर लेता है। अब मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस नीचे आने के लिए, क्योंकि शेल बढ़ रहा है तो सिंपल बढ़ेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो जैसे हम जानते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो भैया जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा मजे में था तो उसे निकालने में, तो मेटल हम सब जानते हैं ये मेटल है, मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो इनकी टेंडेंसी क्या है, टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो आराम से देंगे इलेक्ट्रॉन, ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, ये खुद दे देते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन इतने वाले इलेक्ट्रॉन कौन है वाले, ये नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन को देना, तो ये ज्यादा एनर्जी लेंगे कंपैरेटिवली इनके मुकाबले, क्लियर है। ओके, तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया था पेरेंट्स का, वैसे वाला एग्जांपल आप याद रखना, सिंपल हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा, आयनाइजेशन पोटेंशियल मैंने एक चीज और बताई थी प्रीवियस वीडियो में, कि आयनाइजेशन पोटेंशियल एक ही बॉडी में 3 बार भी हो सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा, ये हो क्यों रहा है, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है, न्यूक्लियस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है, तो शेल पास आ गया, तो उसकी डोमिनेटिंग पावर ज्यादा है, तो अब वो नॉर्मल से ज्यादा एनर्जी चाहता है उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने की, क्योंकि उसने और ज्यादा होल्ड कर लिया, उसे साइज छोटा क्यों हुआ था, क्योंकि न्यूक्लियस डोमिनेटिंग था, उसने छोटा कर लिया था, तो वो और ज्यादा एनर्जी चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्लियर। ओके, मेटालिक कैरेक्टर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली जैसे नीचे जा रहे थे साइज बढ़ रहा था, आराम से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम था, तो जहां आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा वहां पर आपका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। फ्रेंसियम के केस में एक चीज होती है कि फ्रेंसियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ज्यादा देर तक वो मतलब रह नहीं पाता, स्टेबल नहीं हो पाता, या उसकी लाइफ टाइम 22 मिनट्स की है, तो इतनी देर में उसे स्टडी नहीं कर पाते, तो हम किसको बनाते हैं, मोस्ट मेटालिक, सीजियम को, मोस्ट मेटालिक किसे बनाते हैं, सीजियम को, ठीक है। और तो नीचे आते हैं सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है, सीजियम, ठीक है। अगर मैं राइट की बात करूं तो यहां पर डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी बात मत करो, तो नॉन मेटल है। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आते हैं डिक्रीज होता है, तो ये तो नॉन मेटल नहीं, बट इधर जाते हैं क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, फ्लोरीन। लास्ट में मैंने पूछा था मोस्ट स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, क्योंकि आयन से बनते हैं, तो सीजियम आयन बनाएगा CS प्लस, और फ्लोरीन बनाएगा CF माइनस, और सीजियम फ्लोराइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड टिल क्लास 10 जो आप पढ़ते हो, या टिल इन केमिस्ट्री, सीजियम फ्लोर, क्योंकि ये मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर है और ये मोस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो ये दोनों अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो ये नोट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। After that, electron affinity क्या होता है? तो जैसे हमने पढ़ा ionization potential, amount of energy required to take out a
इलेक्ट्रॉन, तो वैसे जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है एटम के अंदर तो वो एनर्जी रिलीज करता है। अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लास 12th के विषय बताऊं तो एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0, 1/4π को सोचे कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये एनर्जी होती है, ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी उनके पास होती है, ठीक है, सॉरी R नहीं स्क्वायर नहीं था, R होता है, ठीक है, तो इतनी एनर्जी उनके पास होती है। अब अगर मैं कहूं कि ये शेल था, जो उसका ओरिजिनल शेल था, ये न्यूक्लियस है, तो यहां से यहां तक की दूरी फिक्स है, बट क्योंकि न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो गया लेफ्ट टू राइट जाते वक्त, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसने शेल को पास ले आया या नहीं ले आया बताओ, शेल पास ले आया, तो अब जब वो शेल पास ले आया तो अल्टीमेटली उसके मन में क्या है, इलेक्ट्रॉन के मन में है भैया मेरे को यहां जाना है, तो वो अपनी एनर्जी लेके आया इसके हिसाब से, बट क्योंकि शेल अब यहां पहुंच चुका है और उसे कौन खींच लेगा, न्यूक्लियस खुद ब खुद खींच लेगा, न्यूक्लियस खुद ब खुद खींच लेगा, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो भैया उसका न्यूक्लियस ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो वो चढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर खींचने के लिए। बट वही अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, आप तो जबरदस्ती एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करते हो, ठीक है, तो वो जैसे मान लो कोई बच्चे को पढ़ना नहीं है, आप उस पर खूब पैसा लगा रहे हो, दुनिया भर की सारी ट्यूशन लगवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई पढ़ने वाला बच्चा है तुम में से, ठीक है, और उसको हम कहते हैं भाई स्पोर्ट्स खेल ले, एकेडमी लगवा दी, बहुत सारी चीजें करवा दी, बट वो नहीं पढ़ रहा, नहीं खेल रहा, उसे पढ़ने का बड़ा मन है, वो पढ़ता ही रहता है, वो नहीं स्पोर्ट्स में जा रहा, चाहे बैट ला के दे दो, वो नहीं कर रहा, तो वो उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा। वैसे ही अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेके इसमें दे रहे हो तो वो सारी एनर्जी को होल्ड ऑन करके बैठा हुआ है यहाँ पे, यहीं पे शेल उसकी यही है, वो यहीं बैठा हुआ है, बट जैसे उसे मौका मिलेगा भाग जाएगा, उसे जो करना है, उसे टेंडेंसी क्या है, लूज इलेक्ट्रॉन, तो लूज ही करेगा, तो उस आपने 100 जूल लेके भेजी, उसने कहा मैं तो पूरी 100 की 100 रखूंगा, एक भी नहीं दूंगा। यहां वाले केस में क्योंकि न्यूक्लियस थोड़ा स्ट्रांग हो गया तो इमेजिन करिए शेल थोड़ा पास आ गया, तो शायद आप 100 आपको तो लगता है भाई यहां तक जाने की कितनी एनर्जी है, 100 जूल एनर्जी है, आपने 100 जूल लेके भेजी, बट क्योंकि शेल थोड़ा ज्यादा पास आ गया और न्यूक्लियस कैसा हो गया स्ट्रांग, तो शायद 100 जूल की जगह वो 90 जूल में काम कर रहा है, जब न्यूक्लियस भी काम कर रहा है ना, पहले न्यूक्लियस काम नहीं कर रहा था जब ओरिजिनल साइज था, अब वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन काम कर रहा था, बट क्योंकि वो थोड़ा अंदर आ गया और अंदर क्यों आया, क्योंकि न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग बन गया, तो न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो शायद 100 की जगह 90 में काम हो रहा है, तो 10 जूल एनर्जी निकल रही है, और यही एनर्जी जो रिलीज होती है एट द टाइम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसकी और बात करें, मान लीजिए 100 जूल अब दी और अब की बार हम मैग्नीशियम की जगह एल्यूमिनियम में गए, तो एल्यूमिनियम का थोड़ा सा और न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो गया, इसकी आउटर मोस्ट शेल थोड़ी सी और पास आ गई, साइज याद रखो साइज छोटा होता जा रहा है, ठीक है, तो जब ये और छोटा हो गया, न्यूक्लियस और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो शायद हमने 100 जूल दी तो अब की बार ये 70 में काम कर रहा है, और कितनी एनर्जी निकाल रहा है, 30, क्योंकि साइज और श्रिंक हो गया, समझ में आ रहा है, साइज और श्रिंक हो गया। फिर इसके बाद हम मान कर रहे सिलिकॉन फास्फोरस, तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जिसकी वजह से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है और साइज छोटा होता जा रहा है, जैसे वो थोड़ा और छोटा हुआ, मैं बात करूं थोड़ा सा और छोटा हुआ, तो भैया 100 जूल की जगह वो 50 वगैरह 50 में काम हो जाएगा, 50 जूल ले जा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज अब थोड़ी और बढ़ गई। और अगर मैं बात करूं क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में, ये तो अमाउंट ऑफ एनर्जी और बढ़ा देता है, कहता भाई जा जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि अगर मैं बताऊं ये कैसे है, ये तो नॉन मेटल है, ये दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, हमने ये तो नहीं पता करके भेजा था ना भाई तुम सोडियम पे जा रहे हो, तुम इस पे जा रहे हो, हमने कहा भाई तुम सेकंड शेल पे जा रहे हो, इतनी एनर्जी लेके जाओ। अब वहां के वो बंदा खुद ही चाहता है करना, जैसे मान लो आप किसी बंदे पे कोई काम करने भेज रहे हो और आपने 1000 रुपए लेके भेजे, बट
टीचर कह रहा है यार तू बंदा मस्त है तुझे मैं पढ़ाऊंगा, उस बच्चे का इंटरेस्ट देख के उसने कहा मैं तो पढ़ाऊंगा इसे, और वो वैसे ही पढ़ा रहा है भाई, उसकी पूरी पूरी फीस बच गई। उन्होंने कहा चल तू काम कर, 200-300 रुपए दे मैं तुझे वैसे पढ़ा दूंगा, तो उसकी पूरी की पूरी फीस बच गई। वैसे ही यहाँ पे आप एनर्जी लेके जा, फिर तू पढ़ नहीं रहे तो ढीठ है, तो इसको तो वो ज्यादा एनर्जी दे रहा तब भी नहीं कर रहा, बट इनके केस में वो पढ़ने वाला बच्चा और टीचर भी चाहता है पढ़ाना, तो उस केस में वो सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देगा, वापिस कर देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये कब बनता है, ये बनता है जब आप एनायन बनाते हो, जब एनायन बनता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एनायन नॉन मेटल्स के साथ ही बनता है। ओके, इसमें एक वर्ड हम यूज करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो जब आप बोलते हो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज तो रिलीज का मतलब होता है माइनस एनर्जी निकल रही, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड तो एनर्जी मिलती है प्लस होती है, जब रिलीज होती है तो माइनस से लिखते हैं। तो हमेशा रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब भी आपको मिला होगा तो माइनस में होगा। आपके एमसीक्यूज आते हैं तो एमसीक्यू में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइडेंटिफाई करने को आ सकता है कि कौन सी लो है, तो माइनस साइन आप देखना या कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रू है। तो एनर्जी है तो इट्स ऑलवेज मेंशन इन जूल, ठीक है, या न्यूटन मीटर में भी हो सकती है या जूल में एक्सप्रेस होगी, और हमेशा रखना ये नेगेटिव साइन में एक्सप्रेस होगी, माइनस साइन में, क्योंकि ये रिलीज हो रही है। क्लियर है? अब इधर आ जाओ, इसमें खास तौर केस है फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज इतना छोटा हो गया है, फ्लोरीन का साइज इतना छोटा हो गया है कि इलेक्ट्रॉन आता तो है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से, बट उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन इतने पास आ गए कि वो उसमें रिपल्शन भी लगा देते हैं। बाकी केसेस में ये नहीं हो रहा था क्योंकि न्यूक्लियर डोमिनेटिंग था, साइज इलेक्ट्रॉन इतने पास नहीं थे, बट क्योंकि फ्लोरीन का न्यूक्लियस इतना स्ट्रॉन्ग है उसने इतना पास बुला लिया है कि उसके बचे हुए, मान लीजिए फ्लोरीन का है, तो ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ रहा है उस पर रिपल्शन फोर्स भी लगाया, तो अच्छी का शायद उसे 90 निकालनी थी, बट क्योंकि रिपल्शन फोर्स लग रहा है और वो 90 ना निकाल के 80 निकाल पा रहा है, 10 और लगानी पड़ रही है उसे। समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एट अ टाइम टू एक्सेप्ट, बट रिलीज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, बट क्योंकि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जो उसके पास खुद के हैं वो उस पर रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं तो वो रिलीज ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वो रिलीज नहीं, तो उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो अगर मैं बोलूं लेफ्ट टू राइट, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या है, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देते हैं। बट फ्लोरीन का केस ऐसा केस है, स्पेशल केस है, क्योंकि साइज इतना छोटा हो गया है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो होना मानता है न्यूक्लियस, बट क्योंकि बाहर के आउटर मोस्ट इतने पास आ गए हैं कि उसके इलेक्ट्रॉन उस पर एक रिपल्सिव फोर्स भी लगाते हैं जो अब तक आपने महसूस नहीं करा था यहां पर, या करा भी था तो बहुत माइन्यूट था, उसे नेग्लेक्ट कर रहे थे, तो वो अब महसूस होने लगा क्योंकि फ्लोरीन के न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने पास आ गए। तो अब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी सिर्फ न्यूक्लियस की वजह से उतनी ना होगी, अब थोड़ी सी उससे कम होगी। इस वजह से कायदे में अगर देखें लेफ्ट टू राइट में फ्लोरीन होना चाहिए था मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी वाला एलिमेंट, पर फ्लोरीन ये मान कर लेना, और ऐसी ऑक्सीजन ज्यादा सल्फर, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बात बोलूं कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, इट डिक्रीज ऑब्वियसली, क्योंकि यहां का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट बहुत दूर जा चुका है, तो वहां इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराने के लिए आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सारी की, मतलब इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी यूज कर लेगा बजाय कुछ एनर्जी रिलीज करने के लिए, तो यहां पे लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और यहां पर सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, बट फ्लोरीन से ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, ठीक है। इसे नोट कर लो और इसे मार्क कर लो आप, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट इस क्या आता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा ही कहते हैं बट थोड़ा सा अलग है, समझो इसे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है व्हेन दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्लाई तब होती है जब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, इन दोनों ने ऐसे बॉन्ड बनाया,
क्योंकि क्लोरीन का न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली हाइड्रोजन के मुकाबले, तो वो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। वो क्या करता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो बॉन्ड टूटता है नहीं, बॉन्ड नहीं टूटता, बट ये कुछ ऐसा हो जाता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसके पास आ गया है तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, स्लाइटली मतलब डेल्टा, और ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड, कौन से बॉन्ड कहलाते हैं, कोवेलेंट। पर क्योंकि इन पे चार्ज आ गया तो इन्हें एक स्पेशल नाम बोला जाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनके पास पोलैरिटी आ गई है, चार्जेस आ गए हैं। और क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग था। तो ये फिनोमेना कब हुआ, ये फिनोमेना तब हुआ व्हेन दे अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस कौन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, शेयर पेयर। तो इसकी कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नेगेटिविटी कब होगा, व्हेन देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नॉर्मल में नहीं हो सकता, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना था ना, ये कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, शेयरिंग होगी। क्लियर है, तो ये तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग होगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कब देखने को मिलेगी, जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा और एक आपका कम वीक न्यूक्लियस होगा। तो अगर मोस्ट नेगेटिव नॉन मेटल ले लो या मोस्ट पॉजिटिव मेटल ले लो, अगर इनके बीच में कोई बॉन्ड बना है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलेगी भी। और इसको जो शिफ्ट कहते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वाटर के केस में भी आपको देखने को मिलता है, एच ठीक है। तो ये ऐसे बॉन्ड बनने चाहिए थे, बट ऑक्सीजन इनको अपने पास खींच लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जैसे मैंने अभी आपको बताया ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो अपने पास इस बॉन्ड को खींच लेता है और ये कुछ ऐसे बन जाता है, ये स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव। इसको डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं या डायपोल मूवमेंट भी बोला जाता है। तो दोनों चीजों से आप समझ सकते हो, बट ये चीज देखो इसके भी साथ नहीं होती। जैसे ऑक्सीजन की बात कर ले तो ऑक्सीजन के ऐसे बनते हैं, ये जो खाली बने हैं इसको बोलते हैं लोन पेयर। इनको क्या बोला था, लोन पेयर। तो ये इनके साथ नहीं होता, क्योंकि दोनों वो कहता मैं खींचू, वो कहता मैं भी तेरे बराबर हूं, मैं भी नहीं आने दूंगा, कर ले तो जितना खींच सकता है। तो अगर खींचम तारी दोनों तरफ से बराबर होगी, सेम सेम एलिमेंट की, तो अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पे क्या होगी, जीरो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी देखने को मिलती है जब व्हेन दे हैव सर्टेन चेंज इन देयर न्यूक्लियर चार्जेस, ठीक है। कभी और भी देखने को नहीं मिलती, हाँ चार्जों से बराबर कर ले। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो मीथेन, अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो मीथेन। अब जैसे मीथेन ये है, ऐसे बॉन्ड बनाया। अब क्योंकि ये चारों तरफ से बराबर से ही खींच रहा है तो ये कहीं नहीं जाते, इनमें डिफरेंस है, कार्बन यहां आता है और हाइड्रोजन यहां आता है, तो डिफरेंस तो है न्यूक्लियर चार्ज। बट क्योंकि चारों से बराबर है तो कोई भी शेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है, ओके। सो उम्मीद करता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आएगी, तो पॉज करो वीडियो को, नोट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, खास करके कंसाइज और टुगेदर विद, तो बेटर होगा आप उसको लेके रेडी रखो। अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चंस बताता चलूंगा, रीड करता चलूंगा और उसके बाद उनके आंसर्स भी बताता चलूंगा। उनके आंसर्स में थोड़ा सा कंसाइज में तो आपको आंसर्स मिलेंगे नहीं, टुगेदर विद में जो आंसर होते हैं प्लीज उन पर ट्रस्ट मत करना, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बट आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेना। और स्टिल अगर कोई डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन में तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।